हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज 172 एपिसोड नंबर। सो चलिए आज थोड़ा सा स्पेशल देने वाला हूँ आपको। चार्ट के माध्यम से आज थोड़ी सी सीखने की कोशिश करेंगे किन लेवल्स पे निफ्टी बाई या फिर निफ्टी को सेल करने का सोचना है। ध्यान से आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते। आप सोचते ना यार आपके इतने परफेक्शन कैसे हैं लेवल्स के। आइए थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए मेरे चार्ट्स की तरफ चल देते हैं, मैं डेस्कटॉप की तरफ चल देते हैं। मेरे बड़े भाई देखिए, कौन मारेगा बाजी, बुल और बियर? क्या अब की पार 17,000 के पार? अगर 17,000 के पार जाना है तो हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आए, और बब्बर शेर को भी अगर छलांग लगानी है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद छलांग लगा, थोड़ा सा दो कदम पीछे आएगा उसके बाद छलांग लगा। तो क्या निफ्टी रानी भी कुछ ऐसा कर रही है? और मार्केट का पितामह रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सपोर्ट आज किया है। अभी मैंने आपको बोल दिया रिलायंस का हनीमून इज ओवर, तो हो सकता है आपको कल एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मिले। अगेन वो बात नहीं करेंगे हम, एडवांस के लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सो गाइस आ जाइए, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ देने की कोशिश करता हूँ। ये हम पहले लगा लेते हैं आपके लिए, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर, ओके। सो ये क्या प्लॉट हो गया, एक सेकेंड, ये प्लॉट्स जो मैंने ड्राइंग की हैं, एक सेकेंड, ये ड्राइंग्स जो प्लॉट हो गई हैं इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। सो ये एक फ्रेश चार्ट जो कि मैंने आपको लिए पहले डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, राइट। तो भाई मार्केट में आप देख ही रहे हो डेली बेसिस पे नॉन स्टॉप। अभी देखो पहले चाल को समझना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सर स्ट्रैटेजी के पीछे ठीक है 20-30% काम करेगी, लेकिन जो लॉजिक है वो जरूर समझना। जब मार्केट गिरता है, ठीक है, जब भी मार्केट गिरता है रिट्रेस होके गिरा, सिमिलरली जब मार्केट उठेगा, उठा फिर रिट्रेस हुआ, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर थोड़ा सा। अब कितने दिन से नॉनस्टॉप, 1, 2, 3, 4, 5 डेज से नॉनस्टॉप, मार्क माय वर्ड 5 और उसके बाद 8 इंपॉर्टेंट है दो लेवल। अगर लगातार पांचवा कैंडल एक पैनिक की आवश्यकता होती है, या फिर अगर नहीं आया छठा पॉजिट सातवा पॉजिट फिर आठवें में एक पैनिक की होती है। ये सिर्फ साइकोलॉजी से आपका डेवलप होगा। एनीवे हमने मार्केट देखा हुआ, आप प्लीज पिछले कैंडल्स को आप पढ़ना, स्पॉट में जाके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये जो पांच कैंडल की रैली है अब टॉप के लेवल पे एक अच्छी खादी इसने रैली हमें डेली बेसिस पे बना के दे दी है, जो कि आज 31 मई है। अब ऑब्वियस सी बात है मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटा सा रिट्रेस और उसके बाद 17,000 के पार। अब मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम डेली के बाद सीधे छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और हम इसको रीसेट कर लेंगे आप लोगों के लिए। ये लीजिए रीसेट, आज मैं सुबह से लगा के बैठा था ये लाइन कि यार कभी तो टूटे, ये टूट के देने को रेडी नहीं था। आप ये लीजिए क्लोजिंग पे और ये लीजिए ब्यूटीफुल इंडेक्स, राइट। अगर आप लोग जानते होंगे राइजिंग वेज कहते हैं इसको। ये भी मैंने आपको जो बिटकॉइन का एक एपिसोड बनाया था मैंने, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो बिटकॉइन में क्या करें बहुत सारे लोगों का डाउट आता है, तो दोस्तों प्लीज़ गो एंड चेक हमारा बिटकॉइन बनेगा निफ्टी। इसके अंदर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉजिक दोनों साथ में आपको दिखाया है कि अगर निफ्टी जब गिरी थी 2020 में कोरोना के टाइम पे, क्या बिटकॉइन में भी वैसा ही माहौल था। मैंने सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में, प्लीज़ गो एंड चेक, आपको समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए, ठीक है, और नीचे क्या है ये RSI का भी मैजिक है तो आपको हल्के से दिख रहा है। एनीवे RSI अलग गेम है, वो छोड़ देते हैं। मैं वेट कर रहा था अगर एक बार ये लेवल टूटे टॉप के लेवल पे मुझे सेल आया नो डाउट छोटा मोटा, तो मेरे को जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट आया, लेकिन जरूर आया है, और बिल्कुल मात्र 5-10 रुपये का सेल था। और उसके बाद ये रुक गया कहीं ना कहीं, लास्ट के 2 मिनट में 2-5 मिनट में 10 मिनट में गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉज ले लिया। देखो यहाँ से तो पॉज लिया है। अगर कल ये लेवल ब्रेक करके निकलता है क्या पे सेल करूंगा,
समझना साइकोलॉजी, पूरी दुनिया क्या करेगी उससे थोड़ा हटकर करना है। पूरी दुनिया कल इसके ऊपर वेट करिए तो इसके ब्रेकआउट पे, जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग काम करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, बात वो नहीं है, बात है सबका अपना अपना सेटअप होता है, अपना अपना अप्रोच होता है। दिस इज माई वे ऑफ स्टाइल कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ मार्केट को, ये मेरा तरीका है, मेरी साइकोलॉजी है, राइट। हो सकता है यहाँ पे दुनिया ब्रेकआउट पे बाई करो और यहाँ पे सेल कर, सॉरी ब्रेकआउट पे यहाँ पे सेल करो और कल सेल करने का पैनिक सेशन हो सके। अगर कल गैप अप खुलता है, समझना ध्यान से, तो मैं आपके लिए एक लेवल तैयार करके रखे हुए हैं मैंने, ऊपर का जो एक लेवल है यानी कि 15,630 इज आवर लक्ष्मण रेखा, 15,630 इज आवर लक्ष्मण रेखा। अगर इसके ऊपर चढ़ाई करेगा ए सुल्तान, कर चढ़ाई, तब इसके ऊपर हम निफ्टी के ऊपर बैठ जाएंगे बाइंग साइड में और चढ़ाई के ऊपर लग जाएंगे। मैं आपको टारगेट दूंगा, जब तक इसके नीचे है गाइस, चाहे गैप अप खुले, वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल तो ठोकेंगे। अच्छा, ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या सेल करना है क्या? नहीं करना है, पूरी दुनिया यही कर रही है, तो ऑपरेटर को नहीं पता है? पता है। क्या ये टूटेगा? अब ये लो है ना, अब आप हायर हाइज हायर लोज, तो ये लो है प्रीवियस, तो अगर ये टूटेगा तो इसके नीचे सेल करेंगे? पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पूछो अपने आप से, पता है ना आपको, पूरी दुनिया को भी पता होगा। जो पूरी दुनिया को पता है तो अलग क्या करना है। तो मैं यहां पे ना करके मैं और वेट करूंगा थोड़ा कंफर्मेशन का, मैं कहीं ना कहीं इस लेवल पे यानी कि 15,530 के नीचे सेल करूंगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा 15,470 और जो दूसरा टारगेट होगा 15,430 का, ये मेरा नीचे के लेवल्स के टारगेट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं बैंक निफ्टी की दुनिया में, मैं इन शॉर्ट भी बता दूंगा आपको, जिनको सीखना है उनको लिए फायदेमंद है, जिसको नहीं सीखना है उनको डायरेक्ट, सर मैं सीधी बात भी करता हूं, सर आई बिलीव इन सीधी बात, घुमा फिरा के ऊपर ये वो, कम ऑन सीधी बात सीखते हैं, राइट। सो आप खुद देख रहे होंगे इसमें भी एक ऐसा ही कुछ पैटर्न पड़ रहा है, राइजिंग वेज बोलते हैं इसको। आपको सीखने को बहुत कुछ है, बिटकॉइन का वीडियो मत मिस करिएगा, उससे आपको समझ में आएगा, बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं इसमें, चिंदी टारगेट्स नहीं होते हैं। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो बड़ा साइकोलॉजी आपका डेवलप होता है, फिर आप बड़ा सोचो कि बड़ा आपको कैसे मिलेगा। बहुत सारे चीजें होती हैं, कब आपको बड़ा टारगेट के लिए होल्ड करना है, कब आपको छोटे टारगेट्स के लिए निकलना है, ये चार्ट सब बोलता है, सीखोगे तो समझ में आएगा। एनीवे, और देखो इससे पहले भी इसी लेवल पे कहीं देखो, एक रैली आने के बाद रिट्रेच करा, फिर दोबारा आया, धीरे 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 यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, ऊपर के लेवल पे वीकनेस दिखा रहा है मार्केट को, पूरी दुनिया को। देखो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, क्या ये जा रहा है मेरे स्टूडेंट्स? आपको पता है मेरा लॉजिक, मैं इसके अंदर क्या बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली, जो डेप्थ नॉलेज मैंने आपको, लैंग्वेज जो सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट, यू नो वेरी वेल, कुछ बताना चाह रहा है। एक हायर हाइज बन रहा है, राइट, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, हो सकता है कल आप इसके नीचे सेल करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है ये जो एक ऊपर लाइन है इसके नीचे आप सेल करो, येस दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल सेटअप, आप इसके नीचे कर रहे हो बुरा नहीं है, टारगेट यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं थोड़ा सा सेफ खेलूंगा क्योंकि मेरी रणनीति इसमें बाइंग ऑन डिप है। तो अगर ये लेवल 15,430-450 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक करता है, देन ओनली विल गो फॉर द सेल टारगेट, सीधी बात, नो बकवास, 35,160 तक का टारगेट आएगा और उसके बाद एक और बड़ा टारगेट 34,700 तक का भी दूसरा टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग। क्या इतना बड़ा टारगेट? अगर इतना बड़ा टारगेट आ जाए ना सर, मजा आ जाए। इसका डेली चार्ट देखो, और मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिट्रेस हो। देखो मार्केट को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नॉन स्टॉप जाएगा, नॉन स्टॉप कभी मार्केट नहीं जाता। जिस स्टॉक में नॉन स्टॉप जाने लग जाए, याद कर लेना कछुआ और खरगोश की कहानी, कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, खरगोश हमेशा हारेगा। तो जो स्टॉक रॉकेट बना के जाएगा, कहीं ना कहीं थक जाएगा, बैठ जाएगा, उस स्टॉक से आपको बच के रहना है। ये मेरी तरफ से आपको बोनस टिप्स था। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट अपने कल की बात, सीधी नो बकवास। सपोज इफ नॉट क्रॉस विद टुमारो 15,630 का लेवल एंड स्टे बिलो 15,530, 530 के नीचे, इट विल पैनिक अप टू 15,470, 15,430, 15
370। स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर पेन लेके लिख लेना, अच्छे से नोट करके कल निफ्टी में बैंक निफ्टी जब ट्रेड करने बैठो तो लगा लेना। निफ्टी लक्ष्मण रेखा 15630 के ऊपर जाएगा, देन ओनली इट विल जूम टू किस 15870 15947 तक के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा, लास्ट क्लोज 35575, सपोज नॉट क्रॉस 35830 एंड स्टे बिलो 35430, इसके नीचे अगर क्लोज करता है, 5 मिनट होल्ड करता है, शार्प पैनिक अप टू 35156 34700। ऊपर का जो लक्ष्मण रेखा है 36156, थोड़ा सा बढ़ा दिया, आई एम सो सॉरी, लेकिन बैंक निफ्टी आपको पता है बड़ी वाइल्ड आज की डेट में, अचानक से 500 नीचे आती है, थोड़ा सा बच के खेलना टॉप के लेवल पे। हाँ, अगर ये रिट्रेस हो जाएगा तो डेफिनेटली बायर लेवल पे मैं पूरा रिस्क लेके डेफिनेटली अंदर भी मैं बाई करने का चालू करूंगा। एक बार नीचे आने दो, लेवल लेवल के लेवल में आपको अपडेट कर दूंगा। लक्ष्मण रेखा अबव 36156 गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस 35870। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी एडवांस में जो मैं आपको बताता हूँ एक दिन पहले, ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी मार्केट पे बनी है, यस दोस्तों, आपके लिए आज नहीं, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से मैंने आपको फ्री में दी है, जिसका परफॉर्मेंस मैं डेली अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं और अभी भी आपको दिखाना चाहता हूं। सिर्फ अगर आपने कुछ नहीं समझ में आता, नो प्रॉब्लम, उल्टा पगलटा पकड़ लो, ये एक लूजर साइकोलॉजी है जिसके बेसिस पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है। 90% लोग एक स्टॉक जब नॉनस्टॉप भागता है, लोग ब्रेकआउट पे उसको बाई करते हैं और मैं उसी ब्रेकआउट पे सेल करता हूं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आप प्लीज यूट्यूब में डालिए उल्टा पुल्टा किंग रिसर्च स्ट्रैटेजी, आपके लिए आ जाएगी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। उसी के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन जो मैंने आपको हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लेके आया हूं, प्लीज नोट करिएगा। और कल मैं इन्हीं स्टॉक्स का आपको फिर से परफॉर्मेंस दिखा दूंगा जो आज मैं खुद दिखाने वाला हूं। ये रहा मेरा भाई उल्टा पुल्टा, आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा छोटा रह गया। उल्टा पुल्टा रिलायंस स्टॉप लॉस सेट, लेकिन टेलीग्राम में मैंने लाइव मार्केट में आपको 2140 पे बाई पर, 2140 पे किस पे दिया था मैंने रिलायंस, हाँ 2130 पे बाई दी दिया, जो कि मेड हाई 60 रुपीज के ऊपर रैली देती फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में। अभी तक टेलीग्राम नहीं जोड़ा है, इमीडिएट बेसिस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे बड़े बिना भूले भटके, और 10 दिन फॉलो कर लो, बाकी लोगों का ब्लॉक कर दोगे, ये भी आपसे वादा है। LNTFH आपके सामने प्रूफ है, तो इसमें 4000 का नुकसान, इसमें 8000 का प्रॉफिट। भाई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप लगा रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी जाके देखो और परफॉर्मेंस खुद देखो, वाकई में मजा आया नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अगले दिन आके खुद बताना। अपार्ट फ्रॉम दिस नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, तो आप इसको भी देख लेते हैं, इसको भी मैंने आप लोगों को फ्री में, ऑप्शंस लवर्स जो कह रहे हैं कि सर अभी मार्जिन बढ़ गया है क्या करें, मेरे बड़े भाई स्ट्रैटेजी रेडी है, पकड़ लो इसको, भूल जाओ पूरा, भूल जाओ क्या लो दुनिया बोल रही है, दूसरा कौन क्या बोल रहा है, आप अपना सोचो कि भैया आपके पॉकेट में क्या है, कितने सेफली आप ट्रेड करोगे रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया आएगी बोलेगी, 10 लोग उसके पीछे लगेंगे, नहीं बोलेंगे, लास्ट में सब न्यूट्रल, क्यों पढ़ना है पंगों में। नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो कि आपको मैंने 100 क्वांटिटी में दिखाया है, 3272 पर बाई आया, मेड हाई 335। टिप से अच्छा है खुद इसको फॉलो कर लो, फ्री में आप लोगों को यूट्यूब में दिया है, फ्री में 10 से 15 स्ट्रैटेजीज दी हैं, परफॉर्मेंस मेरे पास इतना वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए दिखा नहीं रहा हूं, अगर 15 स्ट्रैटेजीज का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा सर कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा भाई, प्लीज। अभी ये हम लोगों ने टेलीग्राम में फ्री कॉल्स दिए हैं कुछ, जिसमें भारतीय एयरटेल, बंधन बैंक, ऑप्शंस माइंडट्री, जो भी आपको माइंडट्री में भी देख लो, मैंने आपको जो रेट पे 4 रुपीज का आपको इसमें मूवमेंट आया था, माइंडट्री का ऑप्शंस में हमने लॉस बुक किया, जहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है अपने स्टॉप लॉस के साथ, 13 पॉइंट इसमें गए, नो प्रॉब्लम, 5200 का लॉस, 100% ट्रांसपेरेंसी। अब आप बोलते हो सर एक में ट्रेड करोगे दूसरे में नहीं करोगे, एक में नहीं करोगे दूसरे में कर लोगे, तो भैया मैं कैसे बताऊं, अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर मैं 2 कॉल दे रहा हूं तो दोनों में आपको करना है, 4 कॉल दे रहा हूं चारों में करना है, और क्विक ट्रेड है, लाइव मार्केट में मैंने आपको ऑप्शंस में ट्रेड करवाया और आप सब लोगों ने प्रॉफिट कमाया, और एक भाई ने तो 21,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है MGL के कॉल में, कमाया कि नहीं कमाया, लाइव मार्केट में आपको बताया, देखो कैसे मॉडिफाइड स्टॉप लॉस करते हैं, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं क्विक।
अगर 1000-2000 रुपए का आप टारगेट लेते हो, 1000-2000 का ऐसा लाते हैं ऑप्शंस का, जो भी मैं कॉल देता हूं टेलीग्राम में फ्री में, 1000-2000 का प्रॉफिट है, बुक करो। अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, मिस हो गया, फिसल गए, सुसु करने चले गए थे, भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उसको होल्ड नहीं करना है। इमीडिएट 1000-2000 का लॉस दिखे तुरंत काट लो उसको, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये भी एक आर्ट है स्टॉक मार्केट में दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। इसलिए बोलता हूं लर्न लर्न लर्न, सीखोगे तभी समझ में आएगा। रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जो कि आपको ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एमसीएक्स, इक्विटी, जहां मन करे अपना लेना। 10 से 15 मिनट में मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा। पैंडेमिक के टाइम में बहुत छोटे रेट में मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरे एक बड़े वर्कशॉप का एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बैक टेस्ट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या पावरफुल है। और मैं इसका बैक टेस्ट जो 5 जून को हमारा ऑनलाइन क्लास है, वर्कशॉप है, एक मेगा वर्कशॉप है, जो कि हमेशा हाउसफुल, पिछली बार भी हमने रेलवे ट्रैक पार्ट 1 किया था, हाउसफुल था, इस बार 1500 मेंबर प्लस इसमें ज्वाइन किए थे, तो इस बार एक और लेके आऊँ आपके डिमांड पे रेलवे ट्रैक पार्ट 2। उस टाइम लास्ट टाइम मैंने कमिट किया था कि अगले साल ही लेके आऊँगा, तो अब ये देने के बाद रेलवे ट्रैक हो सकता है पार्ट 3 नेक्स्ट ईयर, यानी कि तीसरे अगले साल फिर लेके आऊँ। तो हम लोग भी मेहनत करते हैं, एज आपको पता है सर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं एक स्ट्रैटेजी मेकर हूँ, आई लव टू मेक स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। और अभी तक मैंने सिर्फ लॉजिक वाले स्ट्रैटेजी दिए हैं, अभी भी इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पड़े हैं। अगर आप प्यार देते रहे तो मैं आपको इसी तरीके से बहुत छोटे रेट में, लोग लाखों रुपये आपसे मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी दे के और इंडिकेटर के दे के और ये वो दे के आपसे ले लेते हैं। मैं लॉजिक्स पे काम करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा सा हट के सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से प्रो हो रहे हो, तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर लीजिए पार्ट 2, जरूरी नहीं कि पार्ट 1 ज्वाइन किया तभी पार्ट 2 करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमीडिएट बेसिस पर सीट बुक कर लो, लिमिटेड सीट्स बची हैं, हाउसफुल हो जाएगा भाई, फिर माफ करना फिर अगले साल। रेलवे ट्रैक पार्ट 2 5 जून से है हमारा, आज लास्ट दिन है, 12 बजे तक हमारा 10 दिन का जो ऑनलाइन क्लास है, जो ये एडवांस लेवल्स या सुबह सुबह जो मैं मॉर्निंग में रैप अप में आपको देता हूँ, सुबह सुबह 15-20 मिनट के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ उसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारती दो ही स्टॉक्स देते हैं जो सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर देता हूँ। एक हिंट की बात बताऊँ, विश्वास करोगे, आधे लोग चले गए होंगे क्योंकि स्किप करके भगा रहे होंगे वीडियो, और जो लोग बच गए हैं, आपसे एक चीज़ मैं वादा लेना चाहता हूँ, जो सुबह सुबह मैं 10 आधे घंटे के अंदर जो कॉल देता हूँ, सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर कॉल देता हूँ, यानी कि 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:30 तक इवन 15-20 मिनट में मैं दे देता हूँ, बट स्टिल आधा घंटा का बफर लेंगे। अगर आधे घंटे में सुबह जो कॉल दे रहा हो, प्लीज़ मेरे कहने पे आप 10 दिन उसका परफॉर्मेंस जरूर नोट करेगा अपने हाथों से, ट्रेड मत करो, सिर्फ परफॉर्मेंस नोट करना, और आप मुझे बताना, मैं जो बिलीव कर रहा हूँ मोर देन 95% की एक्यूरेसी लेवल है, प्लीज़ ज़रूर चेक करना। आज भी दिए दोनों, भारतीय और रिलायंस, हिला नहीं भाई, रॉकेट बनाया। कल भी दिया, मतलब फ्राइडे को भी दिया था, वो भी रॉकेट बनाया। नोटिस करना, आप बैक टेस्ट कर लो, टेलीग्राम में फ्री कॉल्स पड़ी हैं, सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर करो, पैसा बनाओ, लैपटॉप बंद करो, घर जाओ, घर में तो हो, फैमिली को टाइम दो, घर जाओ मतलब, तो एंजॉय करो लाइफ को, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पैंडमिक है, एंजॉय कर लो, फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलेगा मेरे बारे में, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। तो ये 10 डेज का ऑफ चल रहा है, जो कि अगर साइकोलॉजी सीखनी है, ऑपरेटर साइकोलॉजी, मैं बिलीव करता हूँ साइकोलॉजी पे, है ना, कि दूसरा कैसे सोच रहा है और मेरे को कैसे सोचना है, तो अगर ये चीज़ सोचनी है विद ऑप्शंस की और स्ट्रैटेजीज के साथ, या फिर और निफ्टी बैंक निफ्टी की टॉप पे ठोको बॉटम पे बाई, मेरा एक ही साइकोलॉजी है वॉरेन बफेट जी, टॉप पे ठोको बॉटम पे बाई, हर स्ट्रैटेजी मेरी उसी से रिलेटेड है, हर साइकोलॉजी मेरी उसी से रिलेटेड है। मैं आपको बता सकता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कैसे बोलते हैं और ओरिजिनल ब्रेकआउट है, ओपन चैलेंज है, और मेरा फीडबैक जल्दी ही आ रहा है मई बैच के स्टूडेंट्स का, स्टे ट्यून्ड विद अस, आई विल शो यू, जो मैं बोलता हूँ दिमाग का ढक्कन खोल के रहूँगा, आप बताना कितने लोगों का दिमाग का ढक्कन खोला, फीडबैक में खुद लोगों ने भर भर के दिया है। ये आपकी और मेरी बात थी, जो लिमिटेड लोग हैं जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं उनके लिए, तो मैं आप अगर रियली पावरफुल अगर मेरे को फॉलो करते हो, तो मैं जान मुझ के बीच में नहीं बताऊँगा, ये लास्ट के टाइम पर कहीं पर ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ पर लोग बोर होकर निकल लें, लिमिटेड लोगों को बेनिफिट देंगे जो हमारे रियल फॉलोअर्स हैं। ठीक है, थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आज के लिए इतना बहुत है, और प्लीज़ दुआ दीजिएगा सर, बहुत सारे दुआओं की आपकी ज़रूरत है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, अगर आप सब लोग हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत कुछ करने को रेडी हूँ।
थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, अपना बिल्कुल प्रिकॉशन लेके काम करिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। और हाँ, कल मैं आपको कोशिश करूँगा, कल 1 तारीख है, एवरी मंथ हम एक SIP करते हैं, लास्ट मंथ भी किया था, इस मंथ भी SIP करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जो मैं SIP करने वाला हूँ, जो कि 300% ROI का मेरा टारगेट है, जब 300% आएगा तभी मैं पोजिशन काटूंगा, उससे पैसा नहीं काटूंगा। हाँ, अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं आपको बताऊंगा कि भैया मेरी पोजिशन स्टॉक लिए थे 8-10 जो भी स्टॉक लिए थे इसमें स्टॉप लॉस हो गया तो मैं इसमें पोजिशन काट रहा हूँ। एक नई सीरीज कल से चालू कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर जी, बाय बाय।